लड़की से लड़का बना ये शख्स और अब इस ट्रांसजेंडर कपल ने दी गुड न्यूज। हम बात कर रहे हैं जिया और जहाद की। केरल के कोझिकोड में रहने वाले इस ट्रांसजेंडर कपल के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। इस कपल की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें जहाद बेबी बम्प के साथ प्रेग्नेंट नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत का ये ऐसा पहला मामला है जिसमें लड़की से लड़का बना एक ट्रांसजेंडर प्रेग्नेंट हुआ है। जहाद और जिया पावल पिछले 3 साल से एक साथ रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिया पावल पेशे से डांसर हैं। जिया का जन्म पुरुष के रूप में हुआ था जिसके बाद जेंडर चेंज कराकर वो महिला बन गई। जहाद का जन्म लड़की के रूप में हुआ था और जेंडर चेंज कराकर जहाद लड़का बन गए। जिया और जहाद ने बताया कि जब हमने 3 साल पहले एक साथ रहना शुरू किया तो हमने सोचा कि हमारा जीवन अन्य ट्रांसजेंडरों से अलग होना चाहिए। अधिकांश ट्रांसजेंडर जोड़ों का समाज के साथ साथ अपने परिवार द्वारा बहिष्कार किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य टीचर जिया पावल ने कहा, हम एक बच्चा चाहते थे ताकि इस दुनिया में हमारे दिन गिने चुने होने के बाद भी हम अपने पीछे कुछ छोड़ जाएं। जिया ने कहा कि एक ट्रांस पुरुष और ट्रांस महिला बनने की हमारी यात्रा जारी रहेगी। मैं अभी भी ट्रांस महिला बनने के लिए हार्मोन उपचार जारी रख रही हूँ। डिलीवरी के 6 महीने या 1 साल बाद जहाद भी ट्रांस मैन बनने के लिए इलाज फिर से शुरू करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कपल ने पहले बच्चा गोद लेकर अपने माँ और पिता बनने की योजना बनाई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में कानूनी चुनौतियां थी जिसके कारण उन्होंने इस योजना को छोड़कर और फिर जहाद ने माँ बनने के लिए डॉक्टर से संपर्क किया। इस ट्रांसजेंडर कपल को अपने सपने पूरे होते देख काफी खुशी हो रही है। दोनों इस फैसले के पीछे अपने परिवार और डॉक्टर्स के सपोर्ट को काफी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। जहाद और जिया के मुताबिक बच्चे के जन्म लेने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट मिल्क बैंक से दूध मिलने की उम्मीद है। जहाद और जिया के सोशल मीडिया पोस्ट पर यूजर्स अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।